की रफ्तार। बस यूं समझ लो कि एक जमाने में इस दिल में धड़कन भी थी, एक दुखती हुई रग थी इस सीने में। उस दुखती हुई रग का और उस धड़कन का नाम है विलास। वो दर्द मुझे बहुत अजीज है। यूं समझ लो कि वो मेरी जिंदगी की पूंजी है और कुछ नहीं। मैडम, क्या आप आज भी विलास से प्यार करती हैं? मालूम नहीं, मुझसे और सवाल मत पूछो। नहीं मैडम, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। आप कहती हैं आपको मालूम नहीं, मैं कहता हूं ये बात आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि आप विलास से आज भी बेहद प्यार करती हैं। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। ये पलाश शामू किसने बनाए? मैं क्या पूछ रही हूं, बात का जवाब दो। मैंने एक साल पहले कहा था इस घर में ये पराठे नहीं बनेंगे, कहा था ना? बाहर ये पराठे मैंने बनाए हैं, मेरा जी मचल रहा था खाने के लिए। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। किसी बात में तो किसी बात की कर रहे बाप? जब मैंने पराठे मना किए थे बनाने के लिए, उस वक्त सबके जख्म बहुत हरे थे, इसीलिए मना किया था, इसीलिए। अब नहीं बनाऊंगी मैं। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं, ये तेरी नहीं मेरे होने वाले वारिस की मांग है बेटी। जब औरतें गर्भवती होती हैं ना, तब कुछ कुछ खाने के लिए मन मचलता है उनका। हाँ हाँ बेटी, उनका मन मचलता है। किस तरह दीवाना था विलास इन पराठों का। और अब तो मेरे हाथ के बने हुए पराठे भी उसे वापस नहीं ला सके। बाप क्यों तड़प रही है उन्हें याद करके इतना, जब उन्हें आपकी कोई फिक्र ही नहीं है? बेटा है, उसे फिक्र है, उसे मेरी याद आती है। याद आती है तो फिर वो आते क्यों नहीं, फोन तक नहीं करते? वो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। उसके पुरुषार्थ को ठेस लगी है। ये सहना इतना आसान नहीं है योगेश। जब पुरुष को ठेस लगती है ना, तो या तो इंसान बर्बाद हो जाता है, नहीं तो दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मैं इन दोनों में से एक भी नहीं होने दूंगी, उसको नहीं होने दूंगी। कहां जाके ढूंढेंगी आप उन्हें? ढूंढ ले बेटे, ढूंढ ले उसे। मैं उसे अपनी गोद में गुजरे हुए बचपन का वास्ता देकर उसे मना लूंगी। बाब विजय,
तू मेरा इतना पहाड़ जैसा बेटा है, अपनी माँ के लिए इतना सा नहीं कर सकता? उसे ढूंढ ला बेटे, ढूंढ ला, नहीं तो मेरी आत्मा तड़प जाएगी बेटे, तड़प जाएगी। बा, 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 क्या हुआ तुम्हें? बा, क्या बात है बा? तुम ठीक तो हो? मैं, क्या बात है बा? मैं ठीक हूँ बेटे, मैं ठीक हूँ। मुझे विलास की याद आ रही थी, विलास की। मैं जानता हूँ विलास कहाँ है। कहाँ है? सिद्धि देवी के आश्रम में। सिद्धि? हाँ, तुम्हें याद है तुम एक बार एक सिद्धि देव को घर लाई थी? याद है। वो कोई देवी वेवी नहीं है, वो रेणुका है। रेणुका? रेणुका? हाँ रेणुका, ये हमारे पेपर में काम करती थी, इसे मैंने निकाल दिया और अब वो हमसे बदला लेना चाहती है। तुम कब से जानते हो जे? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बस यूं ही बता नहीं पाया। मैं उसे लेकर आऊंगी, मैं उसे लेकर आऊंगी। वो नहीं आएगा बाप। वो जरूर आएगा, मैं उसे बता दूंगी सिद्धि देवी क्या है, कौन है, सब बता दूंगी। हाँ बाप, आप क्या समझती हैं? विलास भैया को ये सब बातें मालूम नहीं होंगी? अरे उनकी कंपनी तो हमेशा से इसी तरह के बुरे लोगों के साथ रही है। वो रहेजा क्या, मधुकर क्या, रजनी क्या, और ये सब। नहीं, मैं उसके पास जाऊंगी। वो मुझे मना नहीं कर सकता, वो मेरी बात नहीं टाल सकता। मैं उसे ले आऊंगी, जरूर ले आऊंगी। बा, हम सब चाहते हैं कि विलास वापस आ जाए, थोड़ा सा समय दीजिए हमें। मैं जाऊंगी, मैं कल ही जाऊंगी और उसे ले आऊंगी। ढूंढते आओ बैठो। अरे नहीं, मैं बैठने नहीं आई, मैं तो तुझे लेने आई हूं। चल घर चल। घर? कौन सा घर बा? अरे तेरा घर, हमारा घर है। नहीं बा, आप जहां रह रही है वो हमारा घर नहीं है, वो तो आपका घर है। आपके बेटे, आपके
पोतों का घर है। बेटे, तो क्या तू अब अपने आप को मेरा पोता नहीं समझता? बाप, समझना, मानना, होना और होते हुए भी ना होना, इन सब बातों का फर्क मैं अब समझने लगा हूं। विलास, जो कुछ भी हुआ उसमें तकदीर के सिवाय और किसी का कोई दोष नहीं। कब तक तकदीर को कोसता रहेगा? बीते हुए कल का गुस्सा आने वाले कल पर क्यों उतार रहा है? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा बेटे, भूल जा। बाप, मेरी यही कोशिश चल रही है। मैं हर दिन, हर लम्हा, हर गम को भुलाना चाहता हूं, मगर ये सब भुलाना मेरे बस में नहीं है। बा, आप मुझे वापस घर ले जाने आई हैं, लेकिन क्या उस घर में आकर मैं ये सब भुला पाऊंगा? और मैं क्या क्या भूल जाऊं? अपनी अपनी पहचान को कैसे भूल जाऊं? बा, ये शरीर, इसमें बहता हुआ ये खून, जो कि देश रत्न खानदान की देन है, उसे मैं कैसे भूल जाऊं? बेटे, मैंने तुझे किस्मत के उन थपेड़ों को भूलने के लिए कहा है जिनके जख्म तू भरने नहीं दे रहा है। ये तो अपने आप से ना इंसाफी होगी ना। मैं इतना तो मतलब ये इंसान नहीं कि अपनी जिंदगी के अनचाहे हिस्से को काट कर फेंक दू। बा, खुशियां मेरी थी तो गम भी मेरे हैं, उन्हें मैं भुला नहीं सकता। बा, मैं बहुत कोशिश करता हूं भुलाने की, मगर मगर मेरे दिल में कहीं कोई ऐसी जगह है जो मुझे यह सब भुलाने नहीं देती। मैं अपने आप को एक जिंदा इंसान समझता हूं और इसीलिए ये दिल पे लगी हुई ठेस को मैं भुला नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, मत भुला। लेकिन तेरे सीने में जो जख्म सुलग रहे हैं उन्हें लेकर घर आ जा। मुझे इतना तो करने दे कि मैं उनके ऊपर मरहम लगा सकूं। तेरे आंसू अपने आंचल से पूछ सकूं। अब ये विलास तुम्हारे आंचल में छुपने के लायक नहीं रहा। बाप, क्यों कोस रहा है अपने आप को? क्यों कोस रहा है रे? मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब ज्यादा समय नहीं रहा मेरे पास। मुझे सपना आता है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तपती हुई रेत के ऊपर मेरा नन्हा सा विलास, प्यासे कलेजे से, सूखी आंखों से मेरा इंतजार कर रहा है। मैं डर जाती हूँ, मेरा दम घुटने लगता है। बस बाप, ऐसा मत कर बाप, ऐसा मत कर। मर जाऊंगी, इसका डर नहीं मुझे। अगर ऊपर जाकर तेरी माँ को क्या जवाब दूंगी? ममता का वचन मैंने कैसे निभाया? और क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगी मैं? किस बात की सजा दे रहा है तू मुझे? किस बात की सजा दे रहा है? मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, मैंने तुझे दूध नहीं पिलाया, लेकिन मेरी ममता में कोई खोट रह गई,
तो फिर क्यों सजा दे रहा है मुझे? क्यों सजा दे रहा है? इसी तरह मुझे मर जाने दे, मर जाने दे। तसल्ली होगी कि आखिरी समय तो मेरे पास था। बस सबूत करूँगा। चलेगा मेरे साथ? चलेगा ना? बा मैं चलेगा। हाँ बा। एक्सक्यूज मी सर, दिल्ली से आपका टेलीफोन आया हुआ है। कह दो मैं इस वक्त किसी से बात करना नहीं चाहता। I'm sorry sir, it's extremely important. आपको बात करनी पड़ेगी। मैं इस वक्त किसी से बात करना नहीं चाहता। राघव, कैलकटा की फ्लाइट कैंसिल हो गई, तुमने हमें ये बताया नहीं? अच्छा, तो आप हैं सिद्धि दी। हाँ हम सिद्धि हैं। मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। हमें तो बहुत सारे लोग जानते। बहुत लोगों के घरों में आग जो लगाई है तूने। विलास, ये सिद्धि नहीं, ये रेणुका है। ये हमारे पेपर में काम किया करती थी। झूठी है, बेईमान है। और इसको विजय ने निकाल दिया था और अब ये हमें बर्बाद करने के लिए तुली हुई है। माता जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप होश में तो हैं? आप प्लीज यहां से चले जाइए। अगर कुछ भी कहा तो मैं सामान खींच लूंगा। ये बा है, मेरी बा है। राघव, तुम अंदर जाओ। यस मैम। और विलास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। मुझे कोई बात नहीं करनी। विलास, अब यहां एक पल भी नहीं रहेगी। चलो चलो यहां से। हाँ बा, चलते हैं, मगर थोड़ी देर आप यहां ठहरिए, सिर्फ थोड़ी।